दोस्तों, किसी भी इंसान की परवरिश का पता कैसे लगाया जा सकता है? मित्रों, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आपकी परवरिश कैसी थी। इंसान हो या पशु पक्षी, उसकी परवरिश का पता उसकी आदतों से ही चल जाता है। मित्रों, यह कहानी है एक राजा और नौकर की। मित्रों, माना कि आप धन दौलत से सुख शांति खरीद सकते हो, परंतु लोगों के ख्याल नहीं। आपकी हरकतें ही आपकी सच्चाई बयान करने के लिए काफी हैं। मित्रों, एक समय की बात है, एक बादशाह के दरबार में अनजान व्यक्ति नौकरी की तलाश में पहुंचा। बादशाह ने उससे उसकी योग्यता पूछी तो उसने अरबी भाषा में कहा, सियासी। सियासी उसे कहते हैं जो अपनी बुद्धि और ज्ञान से किसी भी समस्या को आसानी से सुलझा सकता है। बादशाह के दरबार में हालांकि सियासतदानों की कमी नहीं थी, लेकिन बादशाह उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हो गया और उसे अपने घोड़ों के तबेलों का प्रमुख अध्यक्ष बना दिया। कुछ दिनों बाद बादशाह के मन में यह विचार आया कि अपने तबेले में सबसे महंगे घोड़े के बारे में जानकारी ली जाए कि मेरे पास सबसे महंगा घोड़ा कौन सा है। इसी उद्देश्य से बादशाह ने तबेले के प्रमुख अध्यक्ष को बुलाया और उस घोड़े के बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज, ये घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह यह सुनकर हैरान हुआ। उसने उस आदमी को बुलाया जिससे उसने घोड़ा लिया था। उसने बताया कि घोड़ा तो नस्ली है, परंतु जब यह छोटा ही था तो इसकी माँ मर गई थी। इसका पालन पोषण गाय का दूध पिलाकर हुआ है। बादशाह ने तबेले के अध्यक्ष से पूछा कि तुम्हें इस बात का पता कैसे चला? तब उसने जवाब दिया, महाराज, ये घोड़ा जब घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके ही खाता है, जबकि नस्ली घोड़े जब भी घास खाते हैं तो घास को मुंह में दबा लेने के बाद सर उठाते हैं और फिर उसे खाते हैं। बादशाह उसकी अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ और इनाम के तौर पर उसके घर अनाज, घी और बहुत सारी खाने की चीज़ें भिजवा दिया। इतना ही नहीं, उसे अपनी महारानी की देखरेख के लिए महल में तैनात कर दिया। फिर एक दिन बादशाह को उस व्यक्ति की याद आई और उसने उसे बुलाकर अपनी बेगम के बारे में पूछा। तब उस व्यक्ति ने बताया, इनका रहन सहन तो बिल्कुल महारानी जैसा है, लेकिन शहजादी नहीं है। इतना सुनते ही बादशाह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था हकीकत क्या है, इसलिए उसने अपनी सासू माँ को बुलाने का हुक्म दिया। अगले दिन उसकी सास बादशाह के पास पहुंची तो बादशाह ने उसे सब कुछ बता दिया और सच बताने को कहा। तब सास ने कहा, आपके पिता ने हमारी बेटी के बचपन में ही उसका हाथ आपके लिए मांग लिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारी बेटी मर गई। आपकी बादशाहत से करीबी रिश्ता कायम रखने के लिए हमने किसी और की बेटी को गोद ले लिया और उसका निकाह आपसे करवा दिया। हकीकत जानने के बाद बादशाह ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुमको इस बात का पता कैसे हुआ कि वो शहजादी नहीं है? उस व्यक्ति ने कहा, बादशाह, आपकी बेगम का नौकरों के साथ सलूक जाहिलों से भी बदतर है। कोई खानदानी आदमी इस तरह का बर्ताव नहीं करता है। इस बात से भी बादशाह बहुत खुश हुआ और उसे इनाम के तौर पर खूब सारा अनाज और भेड़ बकरियाँ उसके घर भिजवा दिया और उसके साथ ही उसे अपना दरबारी बना दिया। कुछ दिन फिर बीते तो बादशाह ने सोचा, मैं इस आदमी से सबके बारे में पूछता हूँ, क्यों ना आज अपने बारे में पूछा जाए। जब बादशाह ने अपने बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, अगर आप मेरी जान बख्शें तो ही मैं आपके बारे में बता पाऊंगा। बादशाह ने उस व्यक्ति से वादा किया कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। तब उसने बताया कि ना आप शहजादे हो, ना ही आपका चाल चलन बादशाहों वाला है। इतना सुनते ही बादशाह को बहुत गुस्सा आया, परंतु उसने वादा किया था कि उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन इस बार भी हकीकत जानने के लिए उसने अपनी माँ को बुलाया और उन्हें सच बताने को कहा। माँ ने कहा, बेटा, वास्तव में तुम मेरी औलाद नहीं हो। मेरी गोद सूनी होने के कारण
मैंने तुम्हें एक ग्वाला से तुम्हें खोद लिया था। बादशाह ने उस व्यक्ति को बुलाया और एक बार फिर पूछा कि तुम्हें इस बात का पता कैसे चला। तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जब भी कोई बादशाह किसी को इनाम देता है तो इनाम में हीरे जवाहरात जैसी चीज़ें देता है, परंतु आप खाने का सामान और भेड़ बकरियाँ देते हैं। ये सलूक किसी बादशाह का नहीं बल्कि चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। मित्रों, इस कहानी की तरह ही इंसान के पास कितनी ही धन दौलत क्यों ना हो, उसकी कितनी ही शान और शौकत क्यों ना हो, इंसान की हरकतें और उसकी आदतें उसकी असलियत के बारे में बता ही देती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी शख्सियत सबके सामने अच्छी बने तो अपनी आदतें बदलिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। मित्रों, यदि इस कहानी से हम सीखना चाहें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हालांकि जीवन में सीखने की कला कभी पूर्ण नहीं होती है। मित्रों, सीखने को कहीं से भी मिले सीख लेनी चाहिए।